खाने की अगर बात करें तो पूरी मैदे वाली है। बाकी हाँ, इन सब में अगर मुझसे पूछो कि दो आइटम अच्छे हैं तो वो है श्रांस भाई से ओपिनियन लेते हैं, पहले कौन पहुंचेगा, पहले किसको एंट्री मिलेगी? पहले हमारा तो 445 का। हमारी जो वैशाली लगी हुई वहाँ सामने आपको नजर आ रहा होगा एक नंबर प्लेटफॉर्म, और यहाँ सामने अगर इसी प्लेटफॉर्म पे अगर देखें तो यहाँ दो नंबर प्लेटफॉर्म है। टिकट फेयर भी ज़्यादा होता है, फैसिलिटीज़ कुछ मिलता है नहीं। बस वही है कि स्विगी जोमेटो जब से आया है कुंडे कबाब भी नॉनवेज वालों के लिए और हम लोग के लिए ये सभी सुविधाएँ उपलब्ध हो गई हैं। कोटा में जो यूज़ किया जाता है, आप लोगों ने देख रहा होगा, सुना होगा, जो मोदी जी आजकल 5 किलो अनाज बांट रहे हैं, ये वही वाला चावल मेरे को लगता है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैशाली एक्सप्रेस के दूसरे पार्ट में। पहले पार्ट में आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से हमने सहरसा से सोनपुर तक के सफ़र को तय किए थे। अगर आप लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा तो जाके देख लीजिएगा ज़रूर, नहीं तो बहुत कुछ आप लोग मिस कर दीजिएगा। हाँ, लेकिन उससे पहले इस पार्ट को पूरा देख लीजिए। सोनपुर में हम लोगों ने घर से खाना मंगाया था और इस पार्ट में आपको दिखाने वाले हम लोग क्या मंगाए थे। और हमारी जो वैशाली एक्सप्रेस बहुत ही हाई स्पीड और फुल प्रायोरिटी वाली ट्रेन है, इस ट्रेन का कोई तोड़ नहीं है। इस पार्ट में हम लोगों ने गजब गजब स्टेशन स्किप देखा, अच्छे अच्छे ट्रेन को ओवरटेक करते हुए हम लोग, और साथ ही साथ बहुत सारे ट्रेनों के साथ क्रॉसिंग करते हुए हम लोगों ने इस पार्ट में दिल्ली तक के सफ़र को तय किया था। तो चलिए अब इस पार्ट को शुरू करते हैं। और ऊपर जो आप लाइन देख रहे हो ना, यही होता है पाटलिपुत्रा वाला लाइन जो मैंने आपको बोला था। सोनपुर का जंक्शन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से एक लाइन पाटलिपुत्रा होते हुए पटना के लिए बढ़ जाते। देखो ऊपर वाला लाइन पाटलिपुत्रा जा रही है और हम यहाँ छपरा वाली लाइन से आगे बढ़ गए। हाजीपुर से ट्रेन खुलने के साथ हम लोगों ने ये ले लिया था ब्रेड कटलेट, लेकिन ट्राई अब कर रहे हैं क्योंकि वेट कर रहे थे ये घर के खाने आने का। सोनपुर में घर का खाना गया है और ये ब्रेड कटलेट जो है वो ट्राई करके आपको पैंट्री वाला बता देते हैं। ऐसे कटलेट को बुरा भी नहीं कह सकते हैं और अच्छा भी नहीं कह सकते हैं, ठीक ठाक है, बढ़िया है कटलेट। कटलेट बढ़िया है ना, बुरा नहीं कह सकते हैं इसको, अच्छा है। बाकी घर का खाना है, सांस भाई टेस्ट किया, कैसा सांस भाई? बहुत बढ़िया भाई, नहीं सीरियसली बहुत बढ़िया। घर का खाने का रिव्यू नहीं होता काफी, वो मतलब घर का घर ही का नेक्स्ट लेवल होता है। तो चलो भाई, घर का खाना जो आया था उसको खाते हैं, फिनिश करते हैं और आपसे मिलते हैं अब छपरा स्टेशन पे। ट्रेन छपरा जंक्शन पहुंचने वाली है, तो हम लोगों ने ट्रेन का लंच ले लिया था। कैसा था? नहीं पी रहा हूं पहले। खाने की अगर बात करें तो पूरी मैदे वाली है। बाकी हाँ, इन सब में अगर मुझसे पूछो कि दो आइटम अच्छे हैं तो वो है आलू भुजिया और ये दाल। पनीर तो लिटरली आप देखो ग्रेवी के नाम पे पानी है। को तो मना कर दो पनीर खाने से, पनीर खाने से मना कर। पूरी भैया ने ट्राई किया था, कैसा था भैया पूरी? वो तो ठीक है, मतलब ये मत पनीर मत खाओ, बाकी सब ठीक है। और ये प्लेन अच्छा है, थोड़ा यूनिक नहीं लग रहा है रोटी के बदले पूरी? आज कुछ स्पेशल गेस्ट हो ना तुम, स्पेशल गेस्ट हम लोग, देख लिया गया था, फेवरेट ट्रेन है ना हम लोग की, पहले ही देख लिया था कि वीडियो बना रहे हैं। अच्छा नहीं, फेवरेट ट्रेन है इस वजह से थोड़ा बहुत हम लोग को प्रायोरिटी दिया गया हो, गेस्ट डिस्काउंट। हाँ ये भी हो सकता है। तो यह है कुछ ऐसा जो कि आपको श्रेयांश भाई ने आप लोगों को बता दिया कैसा इसका टेस्ट रिव्यू। ये ना खाने वाले हैं ना ये हम खाने वाले हैं, भुजिया सही है ना, भुजिया सही है, तो सिर्फ भुजिया खा के कोई क्या ही कर लेगा। चलिए अब डायरेक्ट आपसे मिलते हैं छपरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। पैंट्री के खाने का तो रिव्यू आपको श्रेयांश भाई ने दे ही दिया था, तो हम लोग इसको वेस्ट नहीं करेंगे, किसी ज़रूरतमंद को दे देंगे। तो ट्रेन हमारी पहुँच चुकी है छपरा जंक्शन रेलवे स्टेशन और जनरल की तरफ बढ़ रहे हैं। देख लो अच्छा खासा क्राउड हो रहा था अभी, लेकिन फिलहाल इधर ट्रेन जनरल भी खाली हो चुकी है। और जैसा कि मैंने बोला था कि ये हम लोग तो नहीं खा रहे हैं, किसी ज़रूरतमंद को दे देते हैं, तो यहाँ पे कोई एक ज़रूरतमंद हमको दिखा, चलो चल के उसको दे दिए, ये दे रहे हैं, खा लीजिएगा झूठा नहीं है। ज़रूरतमंद को यहाँ पे हम लोगों ने दे दिया था ये खाना, बाकी चलिए चलते हैं आगे। स्वागत है दोस्तों आप सभी का छपरा जंक्शन रेलवे स्टेशन से। अभी फिलहाल हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है छपरा जंक्शन रेलवे स्टेशन, स्टेशन कोड हो गया CPR। यहाँ पे टोटल 9 प्लेटफॉर्म है, ट्रैक है टोटल 17। बाकी अब हमारी जोन भी बदल गया और डिवीज़न भी बदल गया। इससे पहले हम तो ईस्ट सेंट्रल रेलवे के सोनपुर डिवीज़न में, अब हम पहुँच चुके हैं नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवे के BSB डिवीज़न में।
बाकी छपरा को जंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से एक लाइन मशरक होते हुए थावे के लिए जाती है और एक लाइन यहाँ से बलिया के लिए कटती है, तो इस वजह से छपरा को जंक्शन बोलते हैं। ट्रेन अभी हमारी खुलने वाली है, जब खुलेगी तो आपको दिखाएंगे यहाँ से जो लाइन बलिया के लिए अलग होती है। बाकी यहाँ पे अब जनरल भी खाली हो चुका है हमारी ट्रेन का। खाते पीते मस्त जर्नी चल रहा है हम लोग का, आप तो देख रहे हो। और बाकी पेंट्री का रहा खाने के बाद, बहुत ही बेकार, बहुत ही घटिया खाना था। आप लोगों ने देखा क्या जो हम लोगों ने खाना लिया था, हम लोगों ने तो खाया नहीं, तो हम लोगों ने किसी दूसरे को दे दिया था। फेंकने से अच्छा था किसी ज़रूरतमंद को दे दो, तो इसलिए हम लोगों ने ज़रूरतमंद को दे दिया था खाना। बाकी आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग कभी जल रहे हो तो इन सब चीज़ का ध्यान जरूर एक बार दे देना। सामने से कोई तो ट्रेन आ रही है, तो भाई 15 मिनट रुकने के बाद हमारी ट्रेन यहाँ छपरा जंक्शन रेलवे स्टेशन से डिपार्चर होती हुई, स्टॉपेज तो सिर्फ 5 मिनट का, लेकिन हमारी ट्रेन यहाँ पे 10 मिनट बिफोर आई थी, इस वजह से 15 मिनट ट्रेन को रुकना पड़ा। अच्छा खासा क्राउड होता है छपरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पे, जैसा कि आप देख सकते हो, वन ऑफ द मोस्ट बिजेस्ट रेलवे स्टेशन ऑफ इंडियन रेलवे नेटवर्क में इसका भी अच्छा खासा रैंक आता है। और टिकट की चेकिंग अक्सर ज़बरदस्त होती है यहाँ पे, खाने पीने की सारी सुविधा आपको यहाँ पे उपलब्ध मिल जाएगी। ये सब सारी चीज़ें आपको स्टेशन पे देखने को मिल जाएगी छपरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। अभी देख लीजिए यहाँ पे स्टेशन का रिनोवेशन का काम चल रहा था, अभी भी चल रहा है। और ये पहले के टाइम का छपरा जंक्शन का माल गोदाम रहा था, यूज में लाया जाता था, अभी किसी किसी यूज में इसको लाया जाता है छपरा जंक्शन। तो स्टेशन पे मैंने आपको बताया था छपरा जंक्शन क्यों है। देखो ये जो लाइन सामने आपको दिख रही है ना, यही लाइन बलिया की तरफ निकल जाती है, इसलिए छपरा को जंक्शन कहते हैं। तो ट्रेन फिलहाल पहुंच चुकी है अपनी सिवान जंक्शन रेलवे स्टेशन। मैं एक्चुअली सो रहा था, मेरी नींद अचानक से खुली, तभी हम आ गए कि भाई चलो ले लेते हैं, कवर कर लेते हैं। और हवा बहुत तेज़ हो रहा है और इसी हवा में हमारे देश का तिरंगा झंडा भी लहरता हुआ। अभी फिलहाल गोरखपुर पहुंचने वाली है, लेकिन इससे पहले ये जो जंगल आता है कुसमी जंगल, वो आप लोग को दिखाना जरूरी था। हम लोग की ट्रेन अभी पहुंची है गोरखपुर छावनी रेलवे स्टेशन पे, और यहाँ सामने लगी हुई है मौर एक्सप्रेस, और हम लोग की भी अराइवल अभी जस्ट हुई है। श्रेयांश भाई से ओपिनियन लेते हैं, पहले कौन पहुंचेगा, पहले किसको एंट्री मिलेगी? देखना पड़ेगा इसका पहले, हमारा तो 445 का प्रायोरिटी तो हमारी ट्रेन को मिलती आ रही है अब तक, मिलती है पर हम लोग बिफोर टाइम है, बिफोर टाइम है ये भी बात है, बहुत बिफोर, कोई तो ट्रेन आ भी रही है। चलो दिखाते Yeah.
मुक्ति सागर अच्छा क्राउड होता है इस ट्रेन के अंदर, बहुत ही गंदा वाला क्राउड होता है राप्ती सागर के अंदर। ब्राउनी से एर्नाकुलम के बीच में चलती है, कभी इस ट्रेन की भी जर्नी की जाएगी और आप लोगों के बीच इसका भी जर्नी एक्सपीरियंस शेयर किया जाएगा। फिलहाल हम लोग की ट्रेन खड़ी है यहीं पे गोरखपुर छावनी रेलवे स्टेशन पे, अपनी है वैशाली एक्सप्रेस हाई प्रायोरिटी सुपर फास्ट एक्सप्रेस। तरफ देखो लगी हुई है अभी भी अपनी मौर्य एक्सप्रेस। देख लो जंगल तो अभी फिलहाल खाली खाली है, लेकिन जैसे सीजन आएगा ना अच्छा क्राउड होता है इसमें। तो भाई यहाँ पे बेइज्जती हो चुका है, मौर्य एक्सप्रेस को आगे निकाल दिया गया है, हमारी ट्रेन बिफोर आई थी इस वजह से। हमारी ट्रेन बिफोर आई थी इस वजह से हमारी ट्रेन को यहीं पर रोक दिया गया था। और ये देखो ऊपर सिग्नल ग्रीन है, एक और ट्रेन यहाँ से पास होने वाली है, देखते हैं ये कौन सी ट्रेन है। ये आ गई अपनी सिटी एक्सप्रेस गोरखपुर बनारस। ये देखो एक ही प्लेटफॉर्म में दो दो ट्रेनें बड़े मज़े से आ सकती हैं, एकदम आगे जा कर के ट्रेन को प्लेटफॉर्म पे लिया। फिलहाल 505 किलोमीटर के डिस्टेंस तय करने के बाद हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है गुरु गोरखनाथ की नगरी गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। स्वागत है आप सभी का भी एक बार गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से। एक चीज़ आपको गोरखपुर रेलवे स्टेशन के बारे में बता दें, यहां का जो प्लेटफॉर्म है ना, एक नंबर प्लेटफॉर्म और दो नंबर प्लेटफॉर्म एक में ही आता है, जो कि इंडिया का सेकेंड सबसे लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म भी इसको बनाता है। आप लोग कमेंट में बताओ इंडिया का नंबर वन लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है। और एक चीज़ और आपको बता दें, गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन है जंक्शन रेलवे स्टेशन इसलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन नरकटियागंज के लिए कट जाती है। जैसा कि मैंने मुजफ्फरपुर में आपको बताया था, रक्सौल होते हुए नरकटियागंज के लिए लाइन जाती है, वही लाइन आके यहाँ पे गोरखपुर में मर्ज होती है, इसलिए गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन है। राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ गोरखपुर शहर, बाकी साफ सुथरा रेलवे स्टेशन है। अभी देख लो हमारी ट्रेन एक नंबर प्लेटफॉर्म पर आई है, वहाँ एक नंबर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। थोड़ा सा जूम करते हैं, ये देखो अभी यही थोड़ा सा पीछे जाएंगे अगर हम लोग तो दो नंबर प्लेटफॉर्म भी आपको नज़र आएगा, चल के वो भी दिखा देते हैं। वैसे आपको यहाँ पे खाने पीने की दिक्कत नहीं होने वाली, चीज़ें मिल जाएंगी आपको, स्टॉल अवेलेबल हैं और सबसे अच्छी बात है कि साफ़ सुथरा रेलवे स्टेशन है। देखिए अभी हमारी जो वैशाली लगी हुई है वहाँ सामने आपको नज़र आ रहा होगा एक नंबर प्लेटफॉर्म, और यहाँ सामने अगर इसी प्लेटफॉर्म पे अगर देखें तो यहाँ दो नंबर प्लेटफॉर्म है। तो दो नंबर प्लेटफॉर्म पे जो भी ट्रेन आती है वहीं तक रह जाती है, और बाहर से जो आउटर से वैसे आते हैं हम लोग एक नंबर प्लेटफॉर्म पे जिस गाड़ी को जाना होता है। ये देखिए ऐसे कैंची बना हुआ, वहाँ से कट के एक नंबर प्लेटफॉर्म पे ट्रेन चली जाती है। और जनरल के पास यहाँ पे देख लीजिए आपको यहाँ पे जनता आहार मिल जाएगा जो कि 25 रुपये में होता है। चलिए तो 10 मिनट रुकने के बाद हमारी ट्रेन यहाँ गोरखपुर जंक्शन के एक नंबर प्लेटफॉर्म से डिपार्चर होती हुई, वहाँ सामने देखिए बैप से मैं अपने मधुबनी लिवरी में। चलिए इसी के साथ फाइनली डिपार्चर हुआ हमारा गोरखपुर जंक्शन से।
काफ़ी सारे पैसेंजर यहाँ खलीलाबाद रेलवे स्टेशन पे हमारी ट्रेन से जनरल वाले डब्बा से डिवोर्ट किए हैं। तो स्वागत है आप सभी का खलीलाबाद रेलवे स्टेशन पे। हमारी ट्रेन खलीलाबाद रेलवे स्टेशन पे एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है। स्टेशन कुछ खास नहीं है, लेकिन जब ट्रेन का हमारे यहाँ पे स्टॉपेज था तो हमने सोचा स्टेशन को कवर करना चाहिए आप लोगों के लिए, इसलिए ये स्टेशन कवर खलीलाबाद वालों आपके लिए। यहाँ मुजफ्फरपुर आनंद विहार ट्रेन को हम ओवरटेक कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर आनंद विहार WAG 9 लोकोमोटिव इसको लिंक कर रहा है और वारा रेलवे स्टेशन पे हम लोगों ने ओवरटेक किया मुजफ्फरपुर आनंद विहार एक्सप्रेस को। तो अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है गोंडा जंक्शन रेलवे स्टेशन। स्टेशन कोड हो गया GND। यहाँ पे टोटल 5 प्लेटफॉर्म 187 ट्रेनों का होल्टिंग होता है। यहाँ पे 9 ट्रेन ऑनेट और टर्मिनेट होती है। जंक्शन पॉइंट इसलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन बराज क्लियर करती है और एक लाइन तुलसीपुर क्लियर करती है, इस वजह से गोंडा को जंक्शन बोलते हैं। और डिवीज़न की बात की जाए तो लखनऊ NER में आता है गोंडा जंक्शन रेलवे स्टेशन। जोन हो गया NER, नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवे। दस मिनट रुकने के साथ हमारी ट्रेन यहाँ गोंडा जंक्शन रेलवे स्टेशन से डिपार्चर होती हुई। अच्छा खासा क्राउड होता है यहाँ पे जंक्शन रेलवे स्टेशन होने के चलते। खाने पीने की चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी, देखने की ब्रेड पकौड़ा समोसा पूड़ी सब्जी सब कुछ। लेकिन एज यूजल जैसे कि मैं आपको शुरू से बताता आ रहा हूँ, हमारे कोच के पास ना ही कोई स्टॉल आ रहा है ना ही कोई वेंडर आ रहा है, क्योंकि हमारा कोच जो है बहुत ही पीछे की तरफ है। सो फाइनली डिपार्चर हो चुकी है हमारी ट्रेन गोंडा जंक्शन रेलवे स्टेशन से और रात काफ़ी हो चुका है। बाहर कुछ आपको दिखा नहीं सकते हैं, वैसे भी दिन भर हम लोगों ने बहुत सारा आपके लिए कंटेंट शूट किया है। ऑलमोस्ट सारे स्टेशन को हम लोगों ने कवर किया जिन जिन स्टेशन पे हमारी वैशाली एक्सप्रेस का स्टॉपेज रहा है। खाते पीते मस्त हम लोगों ने सफ़र यहाँ तक तय किया है। अब आपसे डायरेक्ट मुलाकात करते हैं लखनऊ के ऐशबाग रेलवे स्टेशन पे। और आपका डिनर कैसे होने वाला सब कुछ आपको वीडियो में बता देंगे, वीडियो में बने रहिएगा। अब तक मज़ा आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मुझे पहली बार देखा हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अब आपसे मिलते हैं डायरेक्ट लखनऊ के ऐशबाग रेलवे स्टेशन पे। हम लोगों ने पेंट्री से ले लिया था वेज बिरयानी बस रिव्यू के लिए, क्योंकि हम लोगों ने अपना डिनर ऑर्डर किया है वहाँ पे लखनऊ में ऑर्डर किया है, जो कि ऐशबाग से आने वाला है। वो क्या आएगा आपको ऐशबाग में ही बता देंगे, लेकिन बाकी ये जो हम लोगों ने पेंट्री वाला लिया था वेज बिरयानी ये एक बार ट्राई करके बता देते हैं आपको। थोड़ा सा ग्रेवी ले लेते हैं और ये थोड़ा सा चावल ले लेते हैं।
कोई टेस्ट नहीं है इसमें। और ये जो चावल है ना मेरे सब, जो कोटा वाला चावल होता है ना, कोटा में जो यूज़ किया जाता है, आप लोगों ने देख रहा होगा, सुना होगा, जो मोदी जी आजकल 5 किलो अनाज बांट रहे हैं, ये वही वाला चावल है मेरे को लगता है। आप लोग थोड़ा जूम करना भैया, यहाँ देखना देखना चावल एक बार आप लोग देखो, कोई टेस्ट नहीं है, टेस्टलेस है, और चावल तो वही है भाई, कोटा वाला अनाज वाला। तो अपना डिनर जो आ रहा है वही खाएंगे, इसको रख देते हैं और किसी ज़रूरतमंद को दे देंगे, हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे, फेंकेंगे नहीं। नगर, गोमती नगर को स्किप कर रहे हैं आप, अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन बनाया यहाँ गोमती नगर का। हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है 5 मिनट बिफोर ऐसबाग रेलवे स्टेशन। यहां पे हमारी ट्रेन का टाइमिंग था 10 बजे और हम पहुंचे यहां पे 9:55 में, यानी कि 15 मिनट रुकने वाले हैं। बाकी ऐसबाग का बात किया जाए तो लखनऊ का मेजर रेलवे स्टेशन है और मीटर गेज के टाइम का बहुत ही महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। बाकी हमारी ट्रेन यहां से लखनऊ मेन रेलवे स्टेशन को बाईपास करते हुए कानपुर लाइन पर बढ़ेगी, जिससे हम लोग आगे इटावा टुंडला अलीगढ़ के रास्ते हम लोग दिल्ली के सफ़र को तय करने वाले हैं। बाकी ये हम लोग ले लिए थे जो पेंट्री वाला अपना बिरयानी, देखते हैं अगर यहाँ कोई मिल जाता है तो उसको दे देंगे, क्योंकि इस तरह से बाहर अनाज को फेंकना सही नहीं होता है। तो चलिए जी, फाइनली डिपार्चर हो चुका हमारा ऐशबाग रेलवे स्टेशन से, अब चलते हैं अंदर। जो हम लोगों ने यहाँ पर ऑर्डर किया था अपना रात का डिनर, वो भी आ चुका है। चलिए वो आपको टेस्ट रिव्यू करके बता देते हैं हम लोगों ने क्या क्या ऑर्डर किया था और क्या था उसका टेस्ट, चलिए वो आप देख के बताते हैं आपको। हाँ जी, तो बाहर ही आ चुका है अब डिनर खाने का और टेस्ट रिव्यू करके बताने का। भैया ट्राई कर रहे हैं, भैया बता देंगे कैसा है। भाई टेस्ट तो ज़ोरदार है, बस वही है कि स्विगी जोमेटो जब से आया है कुंडे कबाब ही नॉनवेज वालों के लिए और हम लोग के लिए ये सभी सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं। बिरयानी वगैरह सब कुछ आप मंगा सकते हो, पिज़्ज़ा वगैरह मंगा सकते हो, आई आर सर से ई कैटरिंग का सहारा ले, बढ़िया खाना स्वीट पकाएं। और मैंने भी ट्राई किया था, मतलब ऐसा फील आ रहा है लखनऊ में आने के बाद और ये खाना खाने के बाद एकदम नवाबों वाला फील आ रहा है। वो कहते हैं ना अपने लखनऊ का नवाबों का शहर, खाना भी बिल्कुल नवाबों वाला है, देख लो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डे टू में। अभी हमारी जर्नी चल रही है वैशाली एक्सप्रेस में और मेरा नींद टूट गया और कुछ ही समय में हमारी ट्रेन जो है गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन पहुंचने वाली है। चलिए अब आपसे गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन पर मिलते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन से। अभी हमारी जर्नी चल रही है वैशाली एक्सप्रेस में और अभी जस्ट हमारी ट्रेन गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन पहुंची है। दिन की शुरुआत हो चुकी है, मौसम अभी सुहाना मौसम हो रहा है। हम लोगों ने जब जर्नी की शुरुआत की थी तब मौसम बहुत ही शानदार हो रहा था, बारिश हो रही थी और यहाँ देखिए गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन पर कोई तो ट्रेन यहाँ आ रही है वैग 9 लोकोमोटिव के साथ। आज सिर्फ ट्रैक में ये है अपना दानापुर आनंद विहार स्पेशल। यह कुछ लगता है ऐसा गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन। वैसे स्पेशल ट्रेन की बात की जाए आपसे तो स्पेशल ट्रेन में टिकट फेयर भी ज़्यादा होता है, फैसिलिटीज़ कुछ मिलता है नहीं। तो आप लोगों में से कौन कौन लोग स्पेशल ट्रेन में जर्नी किए हो अपना एक्सपीरियंस एक बार शेयर जरूर करें।
मैंने तो दो तीन स्पेशल ट्रेन में जर्नी किया और मेरा एक्सपीरियंस जो रहा अच्छा नहीं रहा। मैंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया अपने चैनल पे वीडियो के थ्रू, आप वो चाहो तो देख सकते हो। बाकी देख लो सुबह की शुरुआत गाजियाबाद रेलवे स्टेशन से। ट्रेन हमारी वैशाली यहाँ पे खड़ी हो चुकी है। तो 5 मिनट रुकने के बाद हमारी ट्रेन यहाँ गाजियाबाद रेलवे स्टेशन से डिपार्चर होती हुई। तो ऐसा कुछ लगता है गाजियाबाद का रेलवे स्टेशन काफ़ी पुराना रेलवे स्टेशन लगता है, अंग्रेजों के टाइम का बनाया हुआ ये रेलवे स्टेशन सुंदर लगता है। तो ये जो पेंटिंग की गई है ना इस पर स्वतंत्रता सेनानी वगैरह वगैरह लोगों की, वो कमाल का लगता है। खाने पीने की चीज़ आपको मिल जाएगी, स्टॉल है यहाँ पे, लोग देखो नीचे सोए हुए हैं। चलिए जी डिपार्चर हुआ हमारा गाजियाबाद रेलवे स्टेशन। लगभग 1300 डिस्टेंस तय करने के बाद हमारी ट्रेन फाइनली पहुंच चुकी है देश की राजधानी नई दिल्ली। काफ़ी अच्छा ट्रेन है, काफ़ी शानदार ट्रेन है, साफ़ सफाई और प्रायोरिटी ज़बरदस्त है इस ट्रेन का। आप लोगों को पता है मेरी फेवरेट ट्रेन है। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही, आपसे मिलेंगे अगली जर्नी में अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।